वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ कि जो झगड़े का असली मुद्दा, वो जो कल उस औरत ने आकर घर में झगड़े के मुद्दे जो बनाई थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। झगड़े करी थी, झगड़े नहीं, हाथापाई, जानलेवा हमला, इज्जत लूटने की कोशिश। आप उसका घर देख सकते हो, मैं आपको उसका घर दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे हो, उसका घर है। ये जो गाड़ी खड़ी है, ये उसका घर है ना। ये काफ़ी दूर है मेरे घर से, ये मैं मेरे घर हूँ, यहाँ से 500 मीटर दूर में उसका घर है ना। और उसके घर, ये जो झाड़ बीच में आ गए, उसके घर के बस लाइन में इधर इसकी बहन का घर है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, आप देख रहे हो, ये उसका घर, ये उसकी बहन का घर। और रही बात, उससे 300 मीटर दूरी में, उससे 300 मीटर की दूरी में, आप देखो, उसका घर वहाँ है। आप लोग देखे, मैं आपको जूम करके दिखाई उसका घर, आप देख रहे हो उसका घर उतनी दूर में है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाई, ये उसका घर है। और उसके बाद उससे 300 मीटर की दूरी में, ये देखिए, ये डूंगरी है मेरे घर से, मेरे घर से भी 300 मीटर दूरी में उसका घर है। उसे ये डूंगरी है, ये आप ऊंचा देख सकते हो, ये देख सकते हो, यहाँ डूंगरी है। यहाँ पर किसी के भी, इन लोगों के इसमें, किसी के घर में भी शौचालय नहीं है। सबके घर पक्का है, लेकिन किसी के घर शौचालय ही नहीं है, सब यहाँ जाते हैं, है ना। तो ये डूंगरी पर, ये डूंगरी किसी का है, किसी गाची का, कि मुसलमान का, किसी का, कि किसी का भी है ना, प्राइवेट है डूंगरी। तो ये है, यहाँ जाते सब शौचालय, लेकिन इसकी बदबू उसके घर तक नहीं पहुँचती है। ये आप देख सकते हो, ये डूंगरी का बदबू उसके घर तक नहीं पहुँचती है। और उसके ये कुत्ते मर गया, तो कुत्ते का मरा हुआ बदबू उसके घर तक पहुँच गई। और उसका झगड़ा वो 300 मीटर 500 मीटर दूरी मेरे घर आकर ज़बरदस्ती हाथापाई करना, और दूसरी चीज़ इज्जत लूटने की कोशिश करना, जानलेवा हमला, जो कल के वीडियो में अपने लोग, आप लोगों ने देखे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में। आप लोग बताइए, ये जो सब हो रही है खेल, ये रात दिन के तमाशे। और इसके घर के आगे आप देख सकते हो एक डीजे खड़ी है, हैं, ये डीजे खड़ी है, आप देख सकते हो, आप लोगों को दिखती होगी। और ये डीजे की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ से ये बजाती है कि हमारा घर दहल जाता है। और ये जब भी बजाएगी, मैं आपको इसके भी सबूत दूंगी, है ना। ये इतना हमको परेशान करके रखी है, जबकि डीजे जोर से बजा नहीं सकते, लेकिन ये हमको उससे भी परेशान करती है, हैं ना। इतने इसको, हमारे को साथ ये और इसका भाई, इसके पास में इसके भाई रहता है और ये रहती है, और पास में इसकी बहन रहती है किराए के मकान पर, हैं। यहाँ इन लोगों ने मिलकर ना, यहाँ आकर चिल्ला रही है। वो आप खंभे देख सकते हो, रोड, वो देखो, वो जहाँ पर ये आपको दिखा रही हूँ जूम करके, ये जो खंभा दिख रहा है ना, यहाँ आके चिल्ला रही है ना। मस्जिद 5 बजे, मस्जिद टाइम देख लेना, वहाँ मस्जिद में, बाहर मस्जिद में काम चल रही है, अंदर बाहर मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, और यहाँ पर गाली गुलज कर रही थी। जब मैंने उसको रोके के देख, वहाँ डूंगरी में उतने दूर में, तेरे घर से दूर में कुत्ता है, तो तुझे क्यों टेंशन, तो तेरे घर चली जा, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे साथ एक बार चली गई, बड़े इससे गाली गुलज कर रही थी, जब वीडियो बना रही थी, मैंने उसका भी वीडियो है, जब गाली गुलज कर रही थी चली गई जैसा। फिर दोबारा उसके भाई को बुलाकर, भाई आया, उसका भाई बेकरी में काम करता है, और उसकी भाभी दारू बेचती है, उसके घर रेड डाला जाए, उसके घर की इंक्वायरी हुए। और ऐसे नहीं, वो अभी छुपा देगी, महीने 15 दिन 1.5 महीने में उसकी इंक्वायरी लिया जाए। और यहाँ हमारा जो मोहल्ला है, यहाँ हमारे मोहल्ले के दूर दूर तक, यहाँ पर ना कोई पुलिस चौकी है, ना पुलिसों की कोई बैठक है, तो हम कैसे सिक्योर होंगे, हम कैसे जो अपने आप को जो है, अपने आप को कैसे बचाएंगे। हमारे घर में, आपको मैं दिखा दूँ, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे भी हैं, आपको दिखा दूँ, मेरे घर के पीछे साइड भी सीसीटीवी कैमरे है, आप देख सकते हो, ये देखिए, हाँ, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी सीसीटीवी कैमरे की दूसरी कैमरे,
एक कैमरा आपने ये देखिए इधर भी है, है ना। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद मैं सिक्योर नहीं हूँ, मैं अनसिक्योर हूँ, है। ये जो हो रही है ये सबका कौन है जिम्मेदार? बार बार हो रही है और कई दिनों से हो रही है और कई सालों से हो रही है। यहाँ देखें, यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है ना। सीसीटीवी कैमरे की डर है इनको ना किसी चीज़ की। आप ये देख रहे हो, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, घर से कम 100 मीटर की दूरी में ये हमारी प्लॉट है। यहाँ आकर हमारे घर के सामने वो रहती है 500 मीटर दूरी में। आप देख सकते हो उसका घर यहाँ से 500 मीटर दूरी है। देखिए यहाँ रहती है वो, ना हमारे मोहल्ले में है ना हमारे इधर एरिया में है वो। और उसके बाजू में ये देख सकती हो, ये उसकी बहन का घर है जो किराए के मकान में रहती है। ये जो घर है छोटा सा, इसमें वो किराए में रहती है, हैं। और यहाँ आकर लफड़े करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, गाली गुलाज देना और जो मर्जी वो करना। कोई रो, आप देख सकते हो ये पूरा मोहल्ला है, सोसाइटी है। यहाँ ना कोई पुलिस की चौकी है, ना कोई पुलिस की बंदोबस्त है। मैं सबको अपील करती हूँ कि पुलिस की बंदोबस्त किया जाए यहाँ पर। और यहाँ क्या तमाशे होती है उसकी रिपोर्ट तो मिले कम से कम। ये देखे, यहाँ खड़े होके, ये हमारे खम्भे का, हमारे घर की हद है आखिरी, है। यहाँ खड़े होकर वो औरत दादागिरी करती है यहाँ के, और वो वहां से यहाँ आती है गाली गुलज करने के लिए। वो उसके घर नहीं करती है तमाशे, कभी मस्जिद के पास आके तमाशे करती है, कभी वहाँ आपको दुकान दिखाऊं वहाँ जाके तमाशे करती है, कभी कहीं तमाशे करती है, कहीं तमाशे करती है। उसको तो यहाँ टिम्बे पे जागीर मिल गया है। अगर इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और इसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, मैं कह रही हूँ मैं सुसाइड कर लूंगी। फिर करना तुम लोग, एक औरत को तुम लोगों ने, हम लोगों ने ही जो है, जो क्या क्या कहते हैं कि हम जो है गुनाहों को जो है हम बढ़ाओ इसी तरीके से देते हैं। जो गुनाह करते हैं उसके लिए हम कोई वो नहीं करते हैं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, मैं परेशान हूँ। और मेरे साथ इस तरीके से हुई है और ये बार बार हो रही है। अब ये मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, आज कुछ ना कुछ तो इसका हल निकालना ही पड़ेगा, है ना। धमकी देती है उठा ले जाएगी, है। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? हम तो जगह बेच के हम तो बेचा हुआ जगह खरीद के रह रहे हैं, है। वो कैसा खरीदा हुआ जगह है कि कौन सी जगह में रह रही है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, है? ये आप देख सकते हो 500 मीटर दूरी में रह रही है। यहाँ इसके घर है, इसके अंदर यहाँ उसका भाई रह रहा है और यहाँ उसकी बहन रह रही है। बहुत दादागिरी इनकी और जबरदस्ती, एक कुत्ता हुआ मर गया। मेरे ना इनके पास क्या सबूत है, ना मुझे किसी सबूत दिखाए, ना सबूत दिए, और हाथापाई करने आए, जानलेवा हमला किए, हैं। और आप देख सकते हो यहाँ मस्जिद में काम चल रही है, यहाँ बाहर नमाज पढ़ रहे थे। आपको सीसीटीवी मस्जिद में भी कैमरे हैं, आप चेक कर सकते हो टाइम पे। यहाँ खड़ी खड़ी गाली गुलज करती है, उसको रोको, उसको मना करो तो नहीं मानती। ना उसका बाप शराब दारू पीकर यहाँ आके धमाल करता है, ये क्या कानून व्यवस्था है? क्या कहती है, मेरा आदमी सरपंच है, हम कुछ भी करेंगे। सरपंच है नहीं, था। इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? पूरे गांव, पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखी है।
आप लोग देख लीजिए, अगर आज इसकी इंसाफ नहीं मिली, आज अगर इसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट नहीं किया गया, तो मैं आज सबको कह रही हूँ, मैं थक गई हूँ, अब मैं सुसाइड करूँगी। फिर जाके तो करोगे कुछ, जीते जी तो नहीं करोगे कुछ भी, मेरे मरने के बाद ही करोगे, इंतजार ही कर रहे हो मेरी मौत की। मैं मेरे बच्चे के लिए जी रही हूँ और मुझे जीना नहीं दिया जा रहा है, मैंने उसके दरवाजे में गई हूँ क्या है? तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए और हर एक किसी के पास पहुँचाया जाए, हर वो कानून के रखवाले तक पहुँचाया जाए, हर वो इंसान तक पहुँचाया जाए।